है गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कर रही हूँ नेपाल टूर, और वहाँ पे हमने देखा पशुपतिनाथ टेम्पल, भागीमत रिवर आरती, संध्या आरती, और उसके साथ साथ नेपाल और काठमांडू के साइट सीन्स। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर किया और इन्जॉय किया मैंने इस ट्रिप में। तो आज मेरा ये लास्ट ब्लॉग है और ये 7th ब्लॉग है, और सक्सेसफुली मैं इसे भी कंप्लीट कर रही हूँ और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने नेपाल टूर में क्या क्या विज़िट किया आपके साथ। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन सबको चेक कर सकते हो, लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, और साथ ही साथ आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो को ज़रूर आप लास्ट तक देखना, और वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। तो चलिए मेरे साथ एंजॉय करते हैं नेपाल टूर। तो आज हम पहुंच गए हैं चितवन नेशनल पार्क। ये नेपाल का एक नेशनल पार्क है। इससे पहले हम लुम्बिनी में थे, और लुम्बिनी से हम रात को यहाँ पे पहुँच गए थे, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, और अभी सुबह हो चुकी है। तो कंटिन्यू 3 दिन बारिश के बाद आज बारिश बंद हुई है फाइनली, और यहाँ पे हम रात को रुके थे, और अभी सुबह हम जाएंगे जंगल सफारी के लिए। तो चितवन नेशनल पार्क है एक जंगल एरिया, और यहाँ पे आपको कुछ विलेज टाइप का भी फील आएगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ सब्जी वगैरह भी उगाए हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ का जो साइट सीन है वो बहुत खूबसूरत है, और व्यू भी देखो आप कितना अच्छा है, मौसम भी बहुत एकदम सुहाना बन गया है। और यहाँ की ये जो होटल में देखिए, इन्होंने मिर्ची उगाई है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी है, देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे ये फल भी हुए हैं, तो बाद में हम ये फल को भी तोड़ने वाले हैं, और ये यहाँ के जो विज़िटर्स हैं उनके लिए फ्री है, तो आप ले सकते हो यहाँ से। तो बालकनी से मैं व्यू देख रही थी जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि बारिश के बाद वेदर और भी ज़्यादा अच्छा बन गया था। और बालकनी में बैठे बैठे अगर आप चाय पियोगे तो उसी में आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। तो यहाँ से हमें जंगल सफारी के लिए गाड़ी बुक करना पड़ता है, जो कि एक जीप है, तो हमें जीप में जाना पड़ेगा, और इस तरीके का सफारी गाड़ी सब रहता है। और यहाँ पे हमारे जो प्राइस था वो 5000 का प्राइस से हमने ये गाड़ी को बुक किया था, तो इससे भी हाई रेंज का भी है और लो रेंज का भी है, ये आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हो। हाँ ठीक है, सब बैठ जाएंगे पीछे। ओ, हमने 6000 वाला बुक किया था, आई एम सॉरी बाय मिस्टेक, मैंने 5000 का, ये मैंने हमने 6000 का बुकिंग किया था। तो अब हम जा रहे हैं जंगल की ओर, और रास्ते में ये चितवन नेशनल पार्क का ये बोर्ड हमें दिखा, यहाँ पे बैठ के हर कोई इंजॉय करते हैं, फ़ोटो भी लेते हैं, पर हम इसे रिटर्न जाने के टाइम दिखाएंगे आपको, पहले हम जंगल सफारी करेंगे। तो साइट में आप ये सब जो देख रहे हो ये सारे कॉटेजेस हैं, और ये सभी यहाँ के कॉटेज एंड होटल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं। और बाय रोड ही हमें ये राइनो दिखा, और ये काफ़ी बड़ा है, और ये शांति से ही जा रहा था, बिल्कुल हमारे यहाँ पे जैसे गाय और बकरी चरती है रोड्स पे, यहाँ पे राइनो चल रही थी। और भी कुछ एनिमल्स हमें देखने को मिली जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और जो आप व्यू देख रहे हो, आप देखो कितना खूबसूरत है, एंड स्काई भी पूरा क्लियर है,
और धूप भी एकदम क्लियर निकला हुआ है, तो ओवरऑल व्यू एंड वेदर बहुत ही अच्छा है, एकदम घूमने लायक। और हवा भी बहुत तेज़ से चल रही थी और ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये गेट है जहाँ से हम नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मंदिर आपको जगह जगह पे देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि नेपाल में बहुत सारे हिंदू रहते हैं जो कि हिंदू रिचुअल्स को और रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमने गेट पार कर लिया है और गेट पार करते ही हमें ये चेक पोस्ट भी क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एकदम पास में जो है यहाँ पे कैंप होता है, मिलिट्री कैंप नेपाल गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे आप फोटो नहीं ले सकते हो। तो उसमें आपको टिकट करना पड़ता है और जो कि आपके 6000 के पैकेज में ही आता है वो टिकट, एंड पे करके फिर हम अंदर जा सकते हैं। हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि जो हवाई चल रही थी और पूरा हमारा जो टूर था वो बहुत ही अच्छा जा रहा था। और हम सब बहुत खुश है क्योंकि ये एक अलग एक्सपीरियंस है। नॉर्मली नेपाल में हमने टेम्पल्स वगैरह विजिट किया है पर आज हम जंगल देखने आए हैं। यहाँ पर हमको डियर देखने को मिला था तो मैं क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ। इन जो पेड़ों के बीच में यहीं पे डियर देखने को मिला था जहाँ पे 3 डियर्स थे, 3 हिरन, तो वो भी पास से और खुली आँखों से एकदम जंगल में ये लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, किसी पिंजरे में नहीं रहते हैं, तो ये देखने में अलग ही मज़ा आता है। यहाँ पर हमें एक बड़ी सी बर्ड दिखाई दी थी। तो जब हम वीडियो करते हैं ना तो इंसान को जब ये लोग देखते हैं तो अंदर फिर घुस जाते हैं, तो हमारे वीडियो करते करते वो ना थोड़ा अंदर चले जाते हैं तो वीडियो ठीक से नहीं हो पाती है। तो वो सब को एंजॉय करने के लिए आपको तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमें ये क्रोकोडाइल दिखा और यहाँ पे भी 3 क्रोकोडाइल्स थे और काफ़ी बड़ी बड़ी थी। और ये है चितवन नेशनल पार्क का ये बोट। तो यहाँ से हम हमारे सफारी से नीचे उतरेंगे और थोड़ा सा जंगल के और जाएंगे। यहाँ पे अच्छी एक स्पॉट है जहाँ पे नदी है और व्यू भी बहुत अच्छी है, तो चलिए मैं आपको वहाँ पे ले चलती हूँ मेरे साथ। तो हम सब यहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टूरिस्ट आए थे, ज़्यादातर यहाँ पे मुझे कोलकाता और बंगाल से ही टूरिस्ट देखने को मिले क्योंकि हर कोई बंगाली ही बोल रहे थे, तो बंगाल से आए हुए थे ज़्यादातर लोग। और नेपाल में
टूरिस्ट बहुत आते हैं क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और क्योंकि ये इंडिया से जुड़ा हुआ था तो ये एक अट्रैक्शन भी होता है कि ये एक टाइम पे हमारे इंडिया से था और हमारा पड़ोसी राज्य है, तो इसीलिए एक अट्रैक्शन भी रहती है कि चलो जाते हैं घूम के आते हैं नेपाल। तो इसीलिए इंडिया से यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं हर साल। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी ओर और यहाँ से हम जिस चेक पोस्ट से अंदर आए थे वहीं से अब हम निकलेंगे और अब हम जाएंगे उस चितवन नेशनल पार्क का जो बोर्ड मैंने आपको पहले दिखाया था उस तरफ। यहाँ पे ये बड़ी सी क्रोकोडाइल धूप ले रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और ये जो आप बोट देख रहे हो यहाँ पे हर चितवन का डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, तो उन सारे बोट्स में उन सब चीज़ों का नाम लिखा हुआ है। ये एक क्लॉक है, टावर क्लॉक, और एक टूरिस्ट स्पॉट के जैसे यहाँ पे व्यू के लिए बनाया गया है। और ये है नदी और नदी के पास आपको ये सारे स्टैचू मॉन्यूमेंट्स वगैरह दिखाई देंगी और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है, तो यहाँ पे बैठ के आप फूड इंजॉय कर सकते हो और इस व्यू को इंजॉय कर सकते हो, इसीलिए ये नज़ारा बनाया गया है। सो लेट्स सी विथ मी। तो अभी मैंने आपको मेरा लंच दिखाया, तो लंच हम यहीं से करके फिर निकलेंगे। तो यहाँ पे ये जो नींबू है बड़ी वाली, इसे तोड़ा जा रहा है और इसे हम नेपाल से इंडिया तक लेके आए थे तो ये सारी एक्सपीरियंस ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मैंने अपने ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि आज हम नेपाल से डायरेक्ट इंडिया ही जाने वाले हैं। तो जो सब होटल्स वगैरह थे वो उन सब का, नेपाल का जो सफ़र था वो आज ख़त्म होने वाला है, तो ये मुझे थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा था और अच्छा इसलिए लग रहा था कि हम अपने घर फिर से लौटने वाले हैं और सफ़र तो ख़त्म होने के लिए ही होती है। और ये जो सारे मोमेंट्स थे ये फिर रिटर्न नहीं आने वाले हैं, तो उस वजह से मैं इस जगह को और भी अच्छे से
मतलब इंजॉय कर लेना चाह रही थी। हम यहाँ पे रात में पहुँचे थे, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने आपको बाहर का व्यू, अंदर का व्यू ठीक से मैं आपको नहीं दिखा पाई थी इस रिज़ॉर्ट का। तो चलिए मैं आपको अभी दिन में दिखाती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छी धूप निकली है, बारिश नहीं है, और मैं आपको अच्छे से इस पूरे रिज़ॉर्ट को घुमा के दिखाऊंगी। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन्होंने सजा के और सुंदर करके बनाया है। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स का स्टैचू इन्होंने रखा है, और कॉटेजेस हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको गांव का जैसे फीलिंग, शांति मिलेगी। बुद्ध का स्टैचूज़ है, तो नेपाल में बुद्ध बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं, पूजा जाता है उनको। और यहाँ पे आपको इस तरीके का जो हम विलेज में देखते हैं उसी तरह की छावनी बना के रखा गया है। आप यहाँ पे शाम को अपनी कॉफ़ी, टी, ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो। तो ये रिज़ॉर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और ये रिज़ॉर्ट का नाम था ईडन जंगल रिज़ॉर्ट, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और ये हमारा बस है, तो लंच करके हम यहीं से निकलने वाले हैं। तो अब हम बस में बैठ चुके हैं और जाने वाले हैं इंडिया की ओर। तो यहाँ पे रास्ते में हमें बहुत सारे हाथी दिखे, एलिफेंट्स, तो यहाँ पे कम से कम 4-5 एलिफेंट्स तो हमें रास्ते में ही दिखे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जंगली जानवर रास्ते में ही घूमते रहते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेक केयर से ही यहाँ पे देख के चलना पड़ेगा। वैसे तो ये किसी को उतना हानि नहीं पहुँचाते हैं, क्योंकि ये लोकल एरिया में ऐसे ही घूमते हैं, तो पर फिर भी अपनी सावधानी अपने पास। तो क्योंकि हम नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे आए थे, नवरात्रि जब शुरू हुई थी और आज नवरात्रि ख़त्म है और हम भी अपने इंडिया वापस जा रहे हैं, तो रास्ते में हमें शेरावाली की दर्शन हो गई। तो नेपाल में भी ऐसे ही शेरावाली की भी पूजा होती है। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको दिखाया है, उन सब वीडियोस का आप ज़रूर देखना। मैंने अपने नेपाल टूर ब्लॉग को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है ऑलरेडी, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट को क्लिक करके पूरी की पूरी वीडियो एक ही बार में इंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डाल दूँगी। तो आज हम पहुँच गए हैं नेपाल बीरगंज में, और बीरगंज आते ही हम नेपाली करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं इंडियन करेंसी के साथ, क्योंकि इंडिया जाके हमें ये मौका नहीं मिलने वाला है, तो हम अपने करेंसी को चेंज कर लेंगे और इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम जाएंगे इंडिया की तरफ। इसी होटल में हम फर्स्ट नेपाल में आके रहे थे, और यहीं से अब हम करेंसी चेंज कर रहे हैं, और यहाँ से अब हम जाएंगे अपना ये चाय को फिनिश करके इंडिया की तरफ। और नेपाल में हमने जिस जिस जगह पे देखा था, ये फ़ोटोज़ में आप देख ही सकते हो, तो इन सारी जगह पे हम खुद विज़िट करके आए हैं। तो आप भी ज़रूर देखना उन वीडियोस को, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और मज़ा भी आएगा, और आप भी अपना एक छोटा सा नेपाल टूर जल्दी से ही कर सकोगे। तो यहाँ से हमने ऑटो लिया है, और ये ऑटो हमें ले जाएगी बीरगंज से रक्षल की तरफ। तो ये है नेपाल का गेट, और इसी गेट से हम नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है उसे हम पार करते हैं। तो ये है बॉर्डर एरिया, तो बॉर्डर एरिया को हम क्रॉस करके इंडिया की तरफ अब आ गए हैं। तो हम सुबह निकले हैं करीबन 9:30 बजे, और अभी रात भी हो गई है, और यहाँ पे आके हम रक्षल में होटल में रुके हैं, जो कि प्रेसिडेंट इन, और यहाँ पे आज हम रात को रहेंगे, और इसीलिए
हम अपना खाली रात का यहाँ पे डिनर करेंगे, सो जाएंगे और फिर सुबह हम ट्रेन पकड़ेंगे इंडिया के लिए। तो मैं यहाँ का रूम टूर आपको करवा देती हूँ। ये छोटा सा एक रूम था और यहाँ पे एक डबल बेड ऑलरेडी था, तो यहाँ पे हर तरीके का फैसिलिटीज़ था, एसी, फैन, टीवी, वार्डरोब और टेबल, साइड टेबल, तो हर कुछ यहाँ पे अवेलेबल था, चेयर्स वगैरह। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। ये है यहाँ का बाथरूम और बाथरूम भी यहाँ पे सही था। और अब मैं आपको थोड़ा सा खिड़की से दिखाती हूँ, क्योंकि ये स्टेशन के पास का एरिया है, तो यहाँ पे आपको नेचुरल व्यू नहीं बल्कि यहाँ की लोकल व्यू देखने को मिलेगी। तो हमने जानबूझ के स्टेशन के पास में ये होटल लिया ताकि हमें सुबह उठ के स्टेशन जाने में दिक्कत ना हो। तो अभी हम जाएंगे रक्षल में थोड़ा सा साइट सीन करने के लिए। और यहाँ पे आके भी मैंने कुछ पानी पूरी ट्राई किया, तो यहाँ का पानी पूरी मुझे अच्छा नहीं लगा यार, क्योंकि यहाँ पे बस पानी ही दे रहे थे, आलू नहीं दे रहे थे। विदाउट आलू कैसे पानी पूरी होता है, तो मुझे वो सही नहीं लगा। पर खा पी के तो सुबह भी हो गई है, और सुबह हमें नाश्ते में हमारे टूरिस्ट के ग्रुप के ओर से मिला था नूडल्स, जो हम खाएँ। और उसे खाने के बाद अब हम मैं रेडी हो गई हूँ और ट्रेन में जाने के लिए। तो ये है सुबह, मैं आपको दिखा रही हूँ व्यू, क्योंकि रात को ठीक से व्यू नहीं दिख रहा था। तो ये है वो लोकल एरिया, और यहाँ से अब हम जाएंगे ऑटो पकड़ेंगे, टोटो पकड़ेंगे, और टोटो पकड़ के हम जाएंगे स्टेशन की तरफ। কেন নেপালের টাচ কেন বিহার তো तो यहाँ पे हमारा ट्रेन आ गया है। इसी ट्रेन में हम रक्षल टू कोलकाता हावड़ा में पहुँचेंगे। ये मेरा लगेज था, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी, तो हमें बार बार कोल्ड ड्रिंक्स भी लेना पड़ रहा था, और ट्रेन भी चल पड़ी है। और रात को हमें यही इसी ट्रेन में ही गुजारना है, और उसके बाद सुबह भोर में हम हावड़ा पहुँच जाएंगे। ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लंबी है, यू कैन सी, और व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हमने एसी में ही किया था अपना टिकट, ताकि कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो ट्रेन में। तो गर्मी भी बहुत थी अक्टूबर के टाइम, एंड रात हो गई है। अभी हमें डिनर करना है। डिनर में यहाँ पे नॉनवेज और वेज थाली सब अवेलेबल है, तो मैंने नॉनवेज थाली लिया था, और इसे खाएंगे और सो जाएंगे। एंड देन सुबह करीबन 5 बजे तक, 4:30-5 बजे तक हम हावड़ा पहुँच गए थे, और वहाँ से हमने टैक्सी लिया। तो यही से मैंने अपना नेपाल का ये जो सफ़र था उसे मैंने शुरू किया था, और यहीं पे हम एंड भी करेंगे। तो हमने अपना टैक्सी ले लिया है, अपना पूरा सामान वहाँ पे डाल दिया है, और अब हम यहाँ से अपने घर की तरफ जाएंगे। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये नेपाल टूर अच्छा लगा, और आपके लिए भी ये इंफॉर्मेटिव लगी। तो मेरे वीडियो में ज़रूर आप कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, तो आप उन सबको इंजॉय कर सकते हो। और मैं आगे जहाँ जहाँ जाऊँगी ज़रूर मैं वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो उन वीडियोज़ को नहीं मिस करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हो। अगर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
वहाँ से आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। तो आप देख ही सकते हो मेरा शक्ल पूरा उतर गया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा जर्नी था। तो अब मैं जाऊंगी और आराम से सोऊंगी खा पी के 2-3 दिन तक, तो पूरा रेस्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ इसको आप देख लेना, शेयर कर देना। चलो टाटा बाय।